अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। ये मदरसा है फातिमत ज़हरा अल-बनात। अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो मदरसा फातिमत ज़हरा अल-बनात से मदद हासिल कर सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, किसी को पाने के लिए, किसी के प्यार को पाने के लिए उसको बेचैन कर देने का ये ख़ास अमल है। पत्थर दिल को मोम कर दें, कोई कितना भी पत्थर दिल हो ये अमल ज़रूर करें। इंशाल्लाह 3 दिन के इंतज़ार में इंशाल्लाह आपका प्यारा खुद हाजिर भी होगा और आपके लिए बेचैन भी होगा। इस अमल को शुरू करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं। तुम जहाँ हो अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखो और गुनाह के बाद नेकी कर लिया करो, नेकी उस गुनाह को मिटा देती है। जब भी कोई गलती हो, कुताही हो, फौरन अल्लाह पाक से तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें, अल्लाह पाक से 2 नफल पढ़ लें तौबा के, तब भी माफ़ी हो जाती है ताकि आप दोबारा वो गलती ना कर सकें। कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी भी गलती हो तो फौरन अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे, अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। अल्लाह पाक तो खुद, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया तो अल्लाह पाक के सिवा कोई भी तो नहीं है हमें माफ़ करने वाला, तो आप अल्लाह पाक से फौरन माफ़ी तलाफ़ी कर लिया करें तो अल्लाह पाक माफ़ कर देंगे इंशाल्लाह। परेशान ना हुआ करें प्यारे बहन भाइयों, गलती परेशानी जब भी आए अपने रब को याद करें। अमल शुरू करते हैं। ये अमल अल्लाह के नाम का है, ये नक्श अल्लाह के नाम का है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नक्श अल्लाह के नाम का है। अल्लाह का ये नक्श जिस तरह बताया कि बिल्कुल उसी तरह तैयार करें। नक्श को एक दफ़ा समझ लें, नक्श के नीचे जो नाम लिखना है आपने गौर से देख लें, अलखुब फला इब्न फला, अपना नाम और जिसके लिए अमल करें उसका नाम, और 3 मरतबा हुब। ये अमल आप जब ये अमल आप करेंगे, जब ये अमल आप तैयार नक्श तैयार करेंगे, अमल करने से पहले नक्श तैयार करें, नीचे जिस तरह नाम बताए हैं वैसे लिखें, ठीक है। अब इस नक्श को बेशक आप अपने गले में डाल लें, अल्लाह के नाम का है, बेशक आप अपनी बाजू पे बांध लें। 3 घंटे जब तक ये अमल करना है तब तक ये नक्श अपने गले में या बाजू पर बांधना है, उसके बाद उतार देना है। जब तक जब ये आप अमल करेंगे ना, ठीक है, तो उसके बाद इस नक्श को उतार दीजिएगा, ठीक है, इसकी बेअदबी ना हो जाए। अक्सर पता नहीं लगता कि इंसान वॉशरूम में चला जाता है, इस तरह बेअदबी हो जाएगी, ठीक है, इसका गुनाह ना हो, ठीक है। ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। और 2 सिर्फ ये लफ्ज़ हैं, अपने दिल के ऊपर हाथ रख कर अल्लाह का नाम 3 मरतबा अल्लाह का नाम जो सा है आपने पुकारना है, और पुकारने का तरीका मैं आपको समझा दे देती हूँ, ठीक है। या वदूदू या अल्लाह, 1 गिलास पानी, ये गिलास पूरी कोशिश की है बनाने की, 1 गिलास पानी लें, उसके ऊपर सफ़ेद कागज़ से जिससे जैसे नक्श लिखा है ना, इसी तरह या वदूदू या अल्लाह लिखें और अपना नाम लिखें और अपने प्यारे का नाम लिखें, और नाम लिखने के बाद आपने ये जो नक्श है, ये जो पानी के अंदर जो गिलास में जो आपने लिख कर रखना है, ये इस तरह इसको गिलास के अंदर लिख कर रख दें। रखने के बाद आपने ये पानी 3 दिन अपने पास रखना है, ठीक है, बोतल में भी रख सकते हैं, गिलास में भी रख सकते हैं, लेकिन नाम लिखने के बाद नाम भी आपने लिखने हैं, ठीक है, नाम, अपना नाम और साथ में जिसके लिए आप अमल करेंगे, देखिए जिसके लिए यहाँ पर जो नाम लिखेंगे ना वही नाम यहाँ पर लिख के पानी में इसको छोड़ देना है, ये बाजू पे या गले में इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब पढ़ने का तरीका मैं आपको समझा देती हूँ। ज़ुकात, इसके कोई ज़ुकात नहीं, वक्त, इसका कोई वक्त नहीं, किसी भी वक्त दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, जो भी वक्त आपको मुनासिब लगे। दिन इसमें जुमेरात का है, जुमेरात को आप कर लें, जुमे को कर लें, जिस तरह आपको मुनासिब लगता है ना उस तरह आप जुमेरात को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या हफ्ते को पढ़ना चाहते हैं या जुमे को पढ़ना, 3 दिनों में किसी भी दिन आप कर लें, लेकिन जुमेरात को एक बाबरकत दिन है, बुजुर्गाने दीन का दिन है, तो आप जुमेरात को भी कर सकते हैं। दुरूद पाक 3 बार, ठीक है, 3 बार पढ़ना है, 3 बार दुरूद पढ़ें, या वदूदू या अल्लाह पढ़ें, उसके बाद
ये पानी में जो आपने नाम लिखकर छोड़े हुए हैं, ये भी जो सा है ग्लास को संभाल कर रख लें, बोतल को संभाल के रख लें, ठीक है, ताकि पानी भी गिरे ना, बेअदबी ना हो। अब 101 बार या वो दुदू पढ़ें और तसव्वुर में, जब ये दोनों काम आप कर लें, फिर तसव्वुर में या तस्वीर को थोड़ी देर देखें, 10 मिनट तो तसव्वुर कायम हो जाएगा, तसव्वुर में लाकर 101 बार या वो दुदू या अल्लाह पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, ठीक है। पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जो मेरा प्यारा है, जिसे आपने पैदा किया है, जिसे आपने बनाया है, उसके दिल को बेचैन कर दे। अल्लाह पाक ने उसके दिल को बनाया, अल्लाह पाक ने आपके दिल को बनाया, आपके दिल को और अल्लाह पाक उसके दिल को जानते हैं, आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत, आपके अमल करने के तरीके को भी जानते हैं। तो जब आप इतनी चाहत से अमल करेंगे ना, तो इंशाल्लाह देखिएगा आपका मसला हल हो जाएगा। नमाज की आप ज़रूर पाबंदी कीजिएगा, अमल तभी कामयाब होते हैं जब हम अल्लाह से रुजू करते हैं। अल्लाह पाक जौन सा है, आपको पता है, बहुत मोहब्बत रखते हैं अपने बंदे के साथ, तो ये अमल जौन सा है नमाज से कामयाब होगा, तो ये ज़रूर आपने इस अमल को इसी तरह करना है। नहीं समझ आती, एक दफ़ा पूछ लें, 1000 मरतबा पूछ लें, आपकी बहन आपको ज़रूर जवाब देगी। परेशान ना होइएगा, कोई बात ना समझ आए ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। कोई बात अमल समझ ना आए बात करें, कोई आपको नक्श बनाने के तरीका समझ ना आए आप बहन से बात करें, इस्तखारा करवाएं। इस्तखारे में जो भी आपके लिए अमल होगा वो आपके लिए बेहतर होगा। इस्तखारे में जो अमल आएगा ना, वो ज़्यादा आपके लिए मोतबर होगा, क्योंकि आपके नाम से इस्तखारा, इस्तखारे के बाद अमल, तो वो अमल जो उनसे ज़्यादा कामयाब होता है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं, जहाँ तक मुझसे हो सका मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी, ठीक है। अल्लाह पाक की ज़ात आपके साथ है इंशाल्लाह। कोई बात नहीं समझ आती आप ज़रूर पूछें, अगर समझ आ गई है तो आप फिर भी अमल ज़रूर करें, ठीक है। 3 दिन इस अमल को ज़रूर करें, ठीक है। 3 दिन इस नक्श को 3 घंटों के लिए ज़रूर बांधना है, और पानी 3 दिन जौन सा है, इसके बाद पानी का क्या करना है, पानी किसी पौधे में डाल दें, ठीक है, कागज़ उसके अंदर से निकाल के किसी ऊंची जगह पे रख दें, पानी को पौधों में डाल दें, ताकि आपका काम हो जाए, ठीक है। जैसे अगर आपका 2 दिन में काम हो जाता है, 2 दिन में भी यही अमल करें, 3 दिन में हो जाता है, 3 दिन में भी यही अमल करें। नक्श को भी ऐसे ही पानी में डिप कर दें, छोड़ दें नक्श को, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका मसला हल हो जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी नमाज करवाना चाहते हैं, या अमल करवाना चाहते हैं, या अमलियात सीखना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें जरूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीजें बताकर आप अपना इस्तखारा भी कर सकते हैं, जज़ाकल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फन या एंटरटेनमेंट नहीं है, अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं, उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती, जैसा कला।